सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फंक्शन हमारे पास है जिसका यूज एक कंडीशन लगाकर किसी भी डेटा तक पहुंचना है कि अगर ये डेटा या ये कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट ये आना चाहिए जो भी आप पॉजिटिव मैनर में दोगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका जो भी नेगेटिव और फॉल्स रिजल्ट आप दोगे वो आपको देगा। तो हम कहते हैं कि अगर इस सेल में सपोज 300 से ऊपर नंबर लिखे हैं इस सेल में तो आंसर आना चाहिए पास, और नहीं लिखे तो फेल। तो आप इस सेल में फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको सिलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन 300, और ये 300 से ऊपर है तो रिजल्ट आना चाहिए पास, और अगर ये 300 से ऊपर नहीं है तो रिजल्ट आना चाहिए फेल। तो ये इफ फंक्शन मल्टीपल टाइम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सेल के अंदर। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। बट एंड एक और एक ऐसा फंक्शन है एंड और कि एंड क्या करता है कि जितनी भी कंडीशंस आपको लगानी है तो आप मल्टीपल कंडीशंस एंड फंक्शन में लगा सकते हो। बट कंडीशन ये है, आप मल्टीपल कंडीशन एंड फंक्शन में लगा सकते हो, बट कंडीशन ये है कि जितनी भी कंडीशन आप इसके अंदर लगाओगे वो सारी ट्रू होनी जरूरी है। अगर उसमें से एक भी कंडीशन गलत हो जाती है तो आंसर फॉल्स में आएगा, और अगर सारी ठीक होती है तो ही ट्रू में आंसर आने वाला है। तो सिंपल कि अगर मैं इंडिविजुअल फंक्शन एंड फंक्शन यूज कर रहा हूं और उसका यूज है कि मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करवाना, चेक करवाना कि वो सारी ठीक है तो ही ट्रू आंसर करे, अगर उसमें से एक भी गलत है तो फॉल्स आंसर देगा। तो मल्टी कंडीशंस को टेस्ट कराने के लिए आप एंड फंक्शन अप्लाई करते हो। तो इक्वल्स टू एंड, लॉजिकल टेस्ट हमने यहां मेंशन किया कि 150 ग्रेटर देन है 130 के, ऐसे ही 160 ग्रेटर देन है 170 के। तो ऐसे ही मल्टी कंडीशन हमने डाल दी लाइक 160 ग्रेटर देन है 130 के। तो अब देखो एक कंडीशन गलत है बाकी सब सही है, तो 160 ग्रेटर देन है 170 के, तो ये कंडीशन फॉल्स है बाकी सब ठीक है। तो एंड में जितनी भी आप कंडीशन लगाते हो वो सारी ठीक होनी जरूरी है, और एक भी अगर गलत हो जाती है तो आंसर फॉल्स में आता है, तो इसीलिए इसने आंसर फॉल्स में दे दिया। अगर इसी को मैं ठीक कर दूं कि 180 ग्रेटर देन है 170 के, तो अब आपकी सारी कंडीशन ट्रू है, और एंटर करके आप चेक भी कर रहे हो तो उसका आंसर भी ट्रू आ रहा है। इसलिए एक कंडीशन भी गलत हो जाती है तो आंसर फॉल्स में आएगा, और सारी ठीक होती है तो ही आंसर ट्रू आएगा। और में भी सेम काम है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें मिनिमम वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कि जो मल्टीपल कंडीशंस आपने डाली है उनमें से अगर एक भी ठीक होगी तो भी इसका आंसर ट्रू में आने वाला है, अगर सारी गलत हुई तो ही आंसर फॉल्स में आएगा, अगर एक भी ठीक हो गई तो ही आंसर ट्रू में आएगा। तो इसलिए इक्वल्स टू और ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहां हमने कंडीशन डाली 180 ग्रेटर देन है 140 के, 120 ग्रेटर देन है 110 के, तो ये दो कंडीशन मैंने डाली। तो एक कंडीशन गलत है एक ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है, एनीवन कैन टेल मी? ट्रू आंसर। तो आप जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन डाल के एंटर करते तो आपका आंसर ट्रू में आएगा। और सेम अब इफ एरर की बात करते हैं, इफ एरर
बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है कि जिस फंक्शन के थ्रू आपका अगर फॉर्मूला ठीक होगा या आपकी वैल्यू ठीक होगी तो उसी का आंसर करेगी। जैसे कि 26 डिवाइड बाय 13 मैंने बताया होगा लोगों को कि अगर सपोज इसमें इस तरीके की कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसकी जगह, कि अगर ये फॉर्मूला से वैल्यू निकल सकती है तो इसी का आंसर कर दे, अगर ये फॉर्मूला नहीं निकल सकता तो फिर आंसर आना चाहिए लाइक कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह, मतलब रॉन्ग वैल्यू, नॉट एग्जिस्ट, नो एग्जिस्ट, समथिंग ऐसा कुछ आप ले सकते हो, बट ये इनवर्टेड कॉमा में होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर ये 26 डिवाइड बाय 13 कैलकुलेट हो पाएगा तो इसी का आंसर करेगा, नहीं हो पाएगा तो नो एग्जिस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे इतना लिख के आप एंटर करते हो तो आपके सामने आपका आंसर अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअली फंक्शंस को यहां पर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, बट अब इनके एडवांस पोर्शन को सीखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होता है पूरे एक्सेल में। तो जैसे कि आपके पास अभी इफ फॉर्मूला है और इफ फॉर्मूले के अंदर आप एक कंडीशन लगाकर एक रिजल्ट ले पा रहे हैं, जैसे आपका 300 से ऊपर है तो रिजल्ट आना चाहिए पास, 300 से नीचे है तो रिजल्ट आना चाहिए फेल। इसके अंदर एक और कंडीशन इस टाइप की लगा सकते हैं कि ग्रेड वाली सिस्टम, कि अगर 400 से ऊपर है तो ए रिजल्ट, ए ग्रेड आनी चाहिए, 300 से ऊपर है तो बी ग्रेड आनी चाहिए और 200 से ऊपर है तो सी ग्रेड आनी चाहिए, बाकी सब फेल होने चाहिए जो 200 से नीचे है। तो एक इस तरीके की कंडीशन आपने इफ के साथ यूज की, बट इस तरीके की कंडीशन आपने यूज नहीं की होगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। मैंने यहां पर एक कंडीशन डाली कि जितने भी मैनेजर हैं हमारी कंपनी में एंड मैनेजर की ही सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है तो उसकी सैलरी का, अगर मैनेजर की सैलरी 30,000 से ऊपर है तो मैनेजर की सैलरी का 10% निकाल दे। तो दो कंडीशन होगी बेटा देखो यहाँ पर, कि पहले तो ये मैनेजर होना चाहिए और इसकी सैलरी भी ग्रेटर देन 30,000 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो आंसर चाहिए 10%, अगर नहीं है तो आंसर आना चाहिए 5%। तो 10% और 5% मींस कि अगर ये 30,000 से ऊपर हुआ तो 10% निकालेगा, नहीं तो 5%। अभी तक हम सिंगल कंडीशन यूज कर रहे थे कि मैनेजर है तो 10%, या इस तरीके से यूज कर रहे थे कि मैनेजर है तो 10%, असिस्टेंट मैनेजर है तो 5%, बट दोनों कॉलम की कंडीशन हम एक साथ पुट करके सिंगल रिजल्ट ले सकते हैं। कहने का मतलब कि मल्टी कंडीशंस लगाकर सिंगल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। पहले मल्टीपल कंडीशन लगा रहे थे तो मल्टी रिजल्ट भी ले रहे थे, जैसे ग्रेड अगर 400 से ऊपर है तो ए ग्रेड आनी चाहिए, अगर नंबर 400 से ऊपर है तो ए ग्रेड आनी चाहिए, 300 से ऊपर है तो बी ग्रेड और 200 से ऊपर है तो सी ग्रेड। तो ऐसे मल्टी कंडीशन थी, मल्टीपल रिजल्ट थे तो इफ के अंदर इफ लगा रहे थे, बट यहाँ सिचुएशन क्या है कि कंडीशन बहुत सारी है, रिजल्ट एक ही है ट्रू या फॉल्स का, बट कंडीशन मल्टीपल है। तो जब आपकी कंडीशन मल्टीपल आ जाए तो आप किस तरीके से इफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो आप समझिए। तो अब जैसे कि मैनेजर एंड सैलरी 30,000, ये दोनों चीजें होनी कंपलसरी है कि मैनेजर भी होना चाहिए और 30,000 से ऊपर भी होना चाहिए तो ही 10% निकले, नहीं तो 5%। अभी सिर्फ अगर आप इस कंडीशन को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये है या नहीं है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिविजुअली मेरे को पहले टेस्ट करके दिखाओ क्या ये दोनों चीजें ट्रू है या नहीं है, ये दोनों चीजें ट्रू है या नहीं है, तो इसका आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? ऋषभ आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन दोनों को टेस्ट करना चाहता हूँ, ये मैनेजर एंड ग्रेटर देन 30,000
है या नहीं है, तो इस वाले सेल को टेस्ट करना है मुझे, तो कौन सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ? रिश्यो मुझे बता सक बताइए कि ये मैनेजर इन ग्रेटर देन 30,000, मैनेजर एंड ग्रेटर देन 30,000, तो अगर मुझको ये फॉर्मूला टेस्ट करना है कि ये दोनों चीजें, ये वाले दोनों सेल मैनेजर और 30,000 से ऊपर है या नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? आंसर ट्रू और फॉल्स में आना चाहिए। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही ऋषभ? नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे यार। मैनेजर और 30,000 से ऊपर, अगर मेरे को ये फॉर्मूला चेक करना है, ये कंडीशन चेक करनी है, क्या ये दोनों सेल मैनेजर और 30,000 से ऊपर है या नहीं है, क्या ये मैनेजर है और इसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, ये दोनों चीजें ट्रू है या नहीं, तो ये दोनों चीजें टेस्ट करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला इसके सामने लगा सकता हूँ? सर एंड वाला। एंड वाला, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर आप एंड फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ टेस्ट कर पा रहे हैं क्या ये सेल, क्या ये सेल इक्विवेलेंट मैनेजर है या इसकी सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है, यानी एंड मतलब और वाला, एंड वाला, कि ये दोनों चीजें हैं तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी चीज गलत हो जाती है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर बेसिकली शिवानी क्या आने वाला है अभी यहाँ पर? सर एक मिनट विशाल, एक मिनट शिवानी, इसका आंसर अभी क्या आने वाला है? यस सर, ट्रू। ट्रू, व्हाई? बेटा एंड का काम क्या होता है, दोनों चीजें कंपलसरी है, ठीक होनी चाहिए ना, तो ही आंसर ट्रू में आएगा। नहीं सर, फॉल्स आएगा, क्योंकि इसकी सैलरी है जो वो कम है, 30,000 से कम है, तो ध्यान रखो, तो आंसर फॉल्स आएगा। बट हमें तो क्या करना है, इसकी सैलरी 30,000 से मतलब अगर इसकी मैनेजर और इसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, तो इसकी सैलरी का 10% निकालना। तो आप ये काम कैसे करोगे? इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो अब यहां पर देखो कि दो कंडीशन है, रिजल्ट एक ही है, तो इस सिचुएशन में आप इफ में इस लॉजिकल टेस्ट के अंदर, इफ में इस लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप एंड फंक्शन लगा देते हो। कैसे? जैसे इफ स्टार्ट हुआ तो आपने एंड फंक्शन लगाया, तो आपके पास अब बहुत सारी कंडीशन डालने का सिचुएशन यहाँ पर बन गई, या आप अब मल्टीपल कंडीशन यहाँ पुटअप कर पाओगे। तो जैसे ये सैलरी ग्रेटर देन है, नो, ये सेल अगर इक्विवेलेंट है मैनेजर के, और ये सैलरी ग्रेटर देन है 30,000 पे। अब ये सिचुएशन अगर मैच हो रही है, दोनों ही चीजें ठीक है, तो आंसर क्या चाहिए? अब देखो एंड का काम सिर्फ इतना ही था, तो लॉजिक वन भी डाल दिया, लॉजिक टू भी डाल दिया, तो अब एंड को क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि एंड में आगे हमें कोई कंडीशन नहीं डालनी, तो इसलिए एंड को क्लोज करना मस्ट है। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड फंक्शन लगाया, जिसमें मैं मल्टीपल कंडीशंस डाल सकता हूं। अगर मैं ओनली इफ का यूज करता तो मल्टीपल कंडीशंस नहीं डाल सकता, बट मुझे यहां पर मल्टी कंडीशन से सिंगल रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मैं इफ के साथ एंड फंक्शन यहां अप्लाई कर रहा हूं। और इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और लॉजिकल टेस्ट यहां पर आपका आ गया, देन कोमा आप लगा रहे हो, कोमा इसलिए लगा रहे हो कि लॉजिकल टेस्ट से आप वैल्यू ट्रू पे पहुंचे। सर हाँ बोलो सर, ये मैनेजर से पहले इक्वल टू लगाया, ये समझ नहीं आया, ये सेल इक्वल्स टू मैनेजर है या नहीं है, क्या ई सेल
E7 में मैनेजर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो E7 इक्विलेंट है मैनेजर, क्योंकि उसमें ग्रेटर देन लेस देन तो नहीं चलता ना, क्या इस सेल में मैनेजर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो वैल्यू ऑफ ट्रू, अब जैसे कि यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमने मेंशन कर दिया कि एंड फंक्शन के अंदर लगा दिया हमने यहाँ पर दो कंडीशन कि लॉजिक वन और लॉजिक टू, अगर ये दोनों ही ठीक होंगी तो ही ट्रू का आंसर आएगा, अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाती है तो आंसर फॉल्स का आएगा। तो इसीलिए अब वैल्यू ऑफ ट्रू मतलब कि अगर ये दोनों ठीक है तो आंसर क्या चाहिए, मैं कहा कि इसके सैलरी का इनटू 10% लगा दो कॉमा, वैल्यू फॉल्स कि अगर ये मैनेजर या 30,000 से ऊपर नहीं है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन गलत हो जाती है तो आंसर आना चाहिए इनटू 5%। तो इस तरीके से इस कंडीशन को आप यहां पर पुट अप कर पाओगे, क्या E7 सेल इक्विवेलेंट है मैनेजर के या और इसके साथ साथ F7 सेल ग्रेटर देन 30,000, अगर ये दोनों आंसर ट्रू है तो ही 10% निकलेगा और अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाता है 5% निकलेगा। जैसे इसको आप एंटर करते हो तो यहाँ पर आप इसका 5% निकाला है क्योंकि ये सैलरी जो है 30,000 से कम है, बट अगर मैं इधर 30,000 से ज्यादा लिख देता हूँ, जैसे 32,000 लिख देता हूँ, तो 32,000 का 10% 3200 होता है, तो यहाँ पर 3200 यहाँ पर इसने निकाल कर दिखा दिया। इस फंक्शन में अगर कोई डाउट है तो पूछो एक बार। ओके, तो अब चलते हैं और फंक्शन की तरफ। और फंक्शन में हम क्या लगा सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब मेरे को इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करना है कि या तो मैनेजर होना चाहिए या सैलरी ग्रेटर देन 30,000 होनी चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो आंसर 20% निकले, अगर दोनों ही गलत होती हैं, सारी कंडीशन गलत होती है तो आंसर 10% निकले। तो ये काम कैसे होगा, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर फंक्शन में क्या लगा सकते हैं, आप क्या कैसे कर सकते हैं वो समझिए। हमने कहा कि मैनेजर होना चाहिए या उसकी सैलरी 30,000 से ऊपर होनी चाहिए, इन दोनों में से एक चीज भी होगी तो भी 20% निकाल देगा, एक भी चीज नहीं होगी तो 10% निकाल देगा। तो दोनों ही नहीं हुए मींस कि एग्जांपल की मैनेजर है बट सैलरी 30,000 से ऊपर नहीं है तो भी वो 20% निकालेगा, बट मैनेजर नहीं है सैलरी 30,000 से ऊपर है तो भी वो 20% निकालेगा। मैनेजर और सैलरी 30,000 से ऊपर ये दोनों ही नहीं होंगे तो ही 10% निकालेगा। तो मतलब कि अगर मैनेजर हुआ या सैलरी 30,000 से ऊपर हुई तो 20% निकलने वाला है, मैनेजर भी हुआ और 30,000 से ऊपर भी हुआ तो भी 20% निकलने वाला है, सैलरी 30,000 से ऊपर होती है सिर्फ तो भी 20% निकलने वाला है, अगर वो मैनेजर की नहीं है और सैलरी 20,000 से ऊपर भी नहीं है, 30,000 से ऊपर भी नहीं है तो वो 10% निकल, क्योंकि कंडीशन कोई नहीं मिल रही, ना ही वो मैनेजर है और ना ही उसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, तो उस सिचुएशन में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब वहां पर दोनों ही कंडीशन में एक भी कंडीशन नहीं मिल रही तो इसलिए उसका आंसर वो जो है 10% ही निकालने वाला है। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो अब मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए आप एंड या और यूज करते हो, बट सिचुएशन जैसी हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन है आपकी कि जैसे ये फंक्शन है, मैंने कहा मैनेजर या 30,000 से ऊपर, इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए तो भी आंसर 20% निकल जाए, मतलब ट्रू निकल जाए, अगर एक भी गलत हो जाती है तो ये आंसर फॉल्स में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, लॉजिकल टेस्ट आपने दिया है दिस वन इक्वल्स टू नो आप यहाँ पर और फंक्शन लगाएंगे। पहले और फंक्शन क्यों लगाएंगे, क्योंकि मल्टी कंडीशन डालनी है और उसमें से भी एक भी ठीक हो जाए तो ये आंसर 20% निकल कर आ जाए, एक भी अगर ठीक हो जाती है तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और लगाया और यहाँ इस सेल को सेलेक्ट किया, इक्वल्स टू डाला और यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा में इसको मैनेजर दिया कि अगर ये सेल मैनेजर के इक्विवेलेंट है
तो दूसरी कंडीशन, अगर इसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है तो यहाँ पर और का काम खत्म, तो ब्रैकेट क्लोज। तो अब लॉजिकल टेस्ट हमारा कंप्लीट, तो जो और का जो भी आंसर होगा वो लॉजिकल टेस्ट में आ जाएगा। अब कोमा लगाते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू डालते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर आना चाहिए 20% ऑफ द सैलरी। तो इस सैलरी को सेलेक्ट करके इनटू 20% देते हैं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ठीक नहीं है, सारी गलत है, तो सैलरी का 10% आना चाहिए। इस फॉर्मूले में अगर कोई डाउट है तो पूछिए। राइट, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हो, ड्रैग करते हो, तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि आपका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट कर दिया। तो अब जैसे कि यहाँ पर अभी ना तो वो मैनेजर है, ना ही सैलरी जो है 30,000 से ऊपर भी नहीं है, तो उसकी सैलरी का देखो 10% निकाल रहा है, बाकी सबका 10% ये निकाल रहा होगा, क्योंकि पहला सेल मैनेजर भी है, सैलरी 30,000 से ऊपर भी है, तो ऑब्वियसली इसका तो निकालना ही, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। बट सेकंड में असिस्टेंट मैनेजर है बट सैलरी 30,000 से ऊपर है, तो भी वो उसका 20% निकाल रहा है। मैनेजर है बट सैलरी 30,000 से कम है, तो भी उसका 20% निकाल रहा है, 5,200। बट यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं है, तो इस सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकाल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है डेटा का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इफ के साथ एंड और फंक्शन का यूज हो पाएगा। इसमें थोड़ा और एडवांस मोड लेकर आते हैं और ध्यान से समझना। मैं और अब मल्टी कंडीशंस का यूज कर रहा हूँ, मल्टी रिजल्ट का, थोड़ा ध्यान से समझना इस सिनेरियो को जो भी मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये जितना भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मींस की जो कंडीशन डाल रहा हूं, वो एक ही फॉर्मूले में है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि अगर कोई भी मैनेजर है, अगर कोई भी मैनेजर है तो उसकी सैलरी का 10% निकाल दे, सिंपल सी बात। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा एक पहले फर्स्ट फंक्शन में ये है। इसी में सेकंड कंडीशन और सेकंड क्वेश्चन मेरा है एक ही फॉर्मूले के अंदर, कि जितने भी असिस्टेंट मैनेजर हैं उनकी और उनकी सैलरी एंड उनकी सैलरी, मैं एंड लगा रहा हूं ध्यान रखना, एंड उनकी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, तो उसका आंसर निकलना चाहिए, तो उसका आंसर निकलना चाहिए 5% ऑफ सैलरी। अगर इन दोनों में से ही कुछ नहीं है तो आंसर आना चाहिए, अगर जितनी भी बाकी चीजें बच गई हैं उन सभी का रेस्ट, जितने भी आइटम्स बच गई हैं जो इन दोनों कंडीशन के अंदर कवर नहीं हो रही, वो सब का 2% निकलना चाहिए। तो ये एक ही क्वेश्चन है कि मैनेजर है तो पहले तो उसका 10% निकाल दे। तो इतनी सी बात अगर आपको लिखी जाती है कभी भी, तो सिंपल इक्वल्स टू इफ लगाते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, लॉजिकल टेस्ट में सिंपल आप क्या करोगे, आप इस E7 सेल को सेलेक्ट कर लोगे, क्या ये सेल इक्विवेलेंट है मैनेजर के, क्योंकि एक कंडीशन है उसका तो सीधा हम इफ से लगा ही सकते हैं ना। अब यहां पर हमने कहा कि अगर ये मैनेजर है तो उसकी सैलरी का 10% निकाल दे। ओके, इतना काम डन। Yes. तो इतना काम से क्या होगा, सिर्फ वो 10% निकाल दे। बट हमारी एक और कंडीशन भी है कि असिस्टेंट मैनेजर एंड 25,000 से ऊपर भी होना चाहिए। तो अब वैल्यू इफ फॉल्स में अगेन हम यहाँ पर जो है अगेन इफ लगा, अब यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में अगेन इफ लगाया, अब हम इस कंडीशन को देखेंगे। तो ये कंडीशन क्या कह रही है कि दोनों कंडीशन है या नहीं है, कि वो असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेटर देन 20,000 ये दोनों है या नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे कि ये सेल, तो पहले तो एंड फंक्शन यहाँ लगेगा कि दो कंडीशन आ रही है, एक कंडीशन होती तो इफ से ही काम चल जाता, बट असिस्टेंट मैनेजर भी है 25,000 से ऊपर भी है, तो दो कंडीशन है। तो आप यहाँ पर अब इसको सेलेक्ट करोगे कि अगर ये सेल इक्विलेंट है असिस्टेंट मैनेजर के,
तो और दूसरा इसकी सैलरी ग्रेटर देन है 25,000, एंड का काम यहाँ फिनिश हो जाता है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, कोमा लगाओ, इसकी सैलरी का कितना परसेंट हमें निकालना है, 5%, कि अगर वो असिस्टेंट मैनेजर है और सैलरी 25,000 रुपए से ऊपर है, ये दोनों ही कंपलसरी ठीक होने चाहिए, तो ही 5% निकलेगा। अगर अब इन सब में से कुछ नहीं है तो सिर्फ सैलरी का 2% निकाल कर दे दे। अब जितनी बार भी इफ लगता है उतनी बार ही ब्रैकेट क्लोज होती है, तो एक बार इस फंक्शन को अच्छे से आप पढ़ लो, तो दो बार इफ लगाया मैंने तो दो बार यही ब्रैकेट क्लोज होगी। तो अब ध्यान से इसको दोबारा पढ़ लो कि इफ दिस सेल इज ग्रेट इज इक्वल्स टू मैनेजर, सो कैलकुलेट द 10% ऑफ सैलरी। इफ एल्स, अगर ये नहीं है, सो इफ एंड कि E7 सेल इज इक्वल्स टू असिस्टेंट मैनेजर एंड F7 सेल ग्रेटर देन 25,000, देन कैलकुलेट 5%। इफ दोस कंडीशन आर ट्रू, देन दे कैलकुलेट 5%। इफ दोस कैलकुलेशन आर फॉल्स, इन विच वन कंडीशन आर फॉल्स, देन कैलकुलेट द 2%। ओके, तो मींस कि एंड फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले आप लगाते हो, जितने भी लॉजिक लगाते हो, वो सारे ट्रू होने जरूरी है, उसमें से एक भी गलत हो जाता है तो आंसर 2% वाला आएगा। अगर दोनों ही ठीक हो जाते हैं तो ही 5% वाला आएगा। इस फॉर्मूले में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पहले पूछ लो। ओके, तो इसको अब जो है एंटर करते हैं और ड्रैग करते हैं, तो इसका आंसर भी यहाँ पर इसने निकाल कर दे दिया। अब सेम एस, अगर मैं इस कंडीशन में कुछ ऐसा डाल देता कि या तो वो असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए और या उसकी सैलरी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ठीक होगी तो भी आंसर जो है वो 5% निकल जाए। तो सिंपल सी बात कि इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज सिचुएशन आपने चेंज करनी है। क्या सिचुएशन चेंज करनी है? कि आपने जहां एंड लगाया वहां पे और लगाना है, बाकी एज इट इज रहेगा। कैसे और क्या वो समझिए। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में आपने लगाया यहां पर, लॉजिकल टेस्ट लाइक लगाया आपने यहां पर कि ये वाला सेल अगर इक्विलेंट है मैनेजर के, वेल इफ ट्रू, इसको स्पेल ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग में स्पेस का भी अगर गलती होगी तो आंसर सही नहीं निकलेगा। तो उसकी सैलरी का इनटू 10%, कि अगर ये मैनेजर है तो उसकी सैलरी का 10% निकाल दो। अगर ये मैनेजर नहीं है तो फिर से इफ लगाया, और अब मैंने कहा कि असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, सैलरी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, तो 5% निकलता है। तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन ठीक होगी तो आंसर हमारा ट्रू में 5% वाला आएगा, अगर इन दोनों में से नहीं होगी तो 2% वाला है। तो इसलिए हम एंड की जगह में यहाँ सिर्फ और लगाते हैं कि या तो ये सेल इक्विवेलेंट होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर के, या फिर ये सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 25,000। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर 5% में आएगा। तो ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर दिस सैलरी इनटू 5% आप देंगे। अगर अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो इसकी सैलरी इनटू 2%। देन दो बार ब्रैकेट क्लोज करो। अब आपको यहां शो कर रहा है कि अगर ये मैनेजर है तो 10%, मैनेजर नहीं है तो उसकी असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए या सैलरी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए तो 5% निकले। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तो सैलरी का 2% निकले। इस फॉर्मूले में अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए स्टूडेंट आपसे। ओके, देन इसको एंटर करते हैं और ड्रैग करते हैं। तो इस तरीके से इन सभी फंक्शंस को हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं।
और ये करके देखना आप सभी, और बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, एंड इसमें जो भी डाउट लगे वो आप मुझसे पूछ लेना। अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला, एक वो जो है अपनी असाइनमेंट भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, वो असाइनमेंट भी आप लोगों को आज करनी है और मुझे करके भेजनी है। और अगर कंप्यूटर जिसके पास भी नहीं है बट वो मुझे इस वीडियो को देखकर नोटबुक में करके उनकी फोटो करके भेजेगा, तो जो असाइनमेंट मैं आज आप लोगों को भेज रहा हूँ उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नोटबुक में एक सिनेरियो बनाओ और उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करो या पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप करो, मैं चेक करूंगा कि आपने फॉर्मूला सही लगाया या नहीं। तो जो अभी मैं कंडीशंस आपको दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को करके नोटबुक में करके आप मुझे फोटो खींच के भेजेंगे, और जिसके पास कंप्यूटर है वो मुझे कंप्यूटर में जो बनाकर एक्सेल में फाइल बनाकर वो भेजेगा। तो दोनों के लिए एक वर्क आज मैंने आप लोगों को दिया है, तो ध्यान रखना कि इस वर्क को आप प्लीज मुझे टाइम से नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये वर्क सभी का मेरी व्हाट्सएप पे होना चाहिए, कि जो फॉर्मूले या क्वेश्चन सभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आप नोटबुक में या एक्सेल में करके मुझे भेजेंगे। अगर नोटबुक में कर रहे हैं तो उसकी फोटो भेजें, और एक्सेल में कर रहे हैं तो उस एक्सेल फाइल को भेजें, वो व्हाट्सएप या मेल आप कर सकते हैं, तो जो भी आपको बेटर लगे। अगर आप एक्सेल फाइल भेजेंगे तो मेल में बैच भेज देना, और अगर आपने नोटबुक में कर रहे हो तो आप मुझे फोटो भेज देना। ये सभी के लिए मैंडेटरी है, प्लीज आप सभी मुझे नेक्स्ट क्लास तक ये आने से पहले ये क्वेश्चन मेरी नोट व्हाट्सएप में और मेल पे होने चाहिए। तो अभी क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने ओपन कर रहा हूँ, वेट।